हेलो नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। रिकॉर्डिंग प्रारंभ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर लगता है कि इससे कुछ सीखा जा सकता है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी जो है इसे जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक्स बटन दबाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकॉन को जरूर से जरूर दबा लें ताकि कोई भी नया अपलोड अगर होता है तो आपको उसका लाभ मिल सके। इस वीडियो में मैं राग यमन की एक बंदिश के साथ कुछ तानों को रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। कई एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो राग यमन में बंदिश तैयार कर लिए हैं, तांस को भी अलग अलग सेपरेटली तैयार कर चुके हैं बहुत सारे तानों को, लेकिन उसे बंदिश के साथ ताल के साथ किस तरह मिला के चलना है, किस तरह बंदिश के साथ तानों को समावेश करना है, इसे मैं बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि जब आप राग के आरोह अवरोह को समझ जाते हैं, बंदिश समझ जाते हैं, तान को समझ जाते हैं, तो उस सब को एक साथ फॉर्मेट में कैसे लाना है। ठीक है, ये एकदम बिगनर्स के लिए है जो प्रारंभ करते हैं सीखना, लेकिन जो परफेक्शन लाने का तरीका होता है वो शुरू से ही होना चाहिए। बिगनर्स अगर ये बात समझ जाते हैं कि प्रारंभ से लेके अंत तक, चाहे उसमें फॉर्मेट में बंदिश है, आलाप है, तान है या जो कुछ भी है, वो प्रॉपर रिदम के साथ शुरू से लेके अंत तक बिना किसी गलती के अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो वो एक आदत बन जाती है हमारे जीवन में, और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे संगीत के यात्रा के लिए। ठीक है, तो किस तरह से हमें तैयार करना है, मैं हर एक चीज को अलग अलग भी बताता हूं और उसके बाद उसे किस तरह से हम ताल में गाएंगे ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ध्यान दें, अगर आप राग यमन करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अच्छा, इसे मैं सी शार्प से रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जो भी सी शार्प के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा तान पूरा दे रहा हूं और उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले राग यमन के आरोह अवरोह को गाते हैं। नी रे गा मा पा धानी सा सानी धा पा मा गा रे सा। ये हो गया राग का आरोह अवरोह। अब इसमें बंदिश जो किए हैं बच्चे लोग, जो स्टूडेंट्स किए हैं, वो है सदा शिव भजुमना, जो कि बहुत ही पॉपुलर बंदिश है, वो इस तरह है। सदा शिव भजुमना निश दिन। अभी रिदम नहीं बजाया हूं मैं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि पूरी बंदिश बिना किसी गलती के अगर हम तैयार कर लेते हैं उसके बाद ही उसे हम ताल के साथ रिदम के साथ गा सकते हैं। सदा शिव भजुमना निश दिन, सदा शिव भजुमना निश दिन रिधि सिधि दायक बिनती सहाय।
दायक रिधि सिद्धि दायक बिनती सहायक काहे न सुमिरत भटकत तू फिरत सदा शिव भजु मना निशदिन सदा शिव भजु मना शंकर भोला पार्वती रमन शंकर भोला पार्वती रमन सीतन पन्नग भूषण अनुपम नाहक भटकत फिरत अनवरत सदा शिव भजु मना निशदीना। तो ये बंदिश होगी। अब तान का भी अलग अलग प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। पहले जब आप तैयारी करते हैं तो तान को सेपरेटली अलग से पहले तैयार कर लेना चाहिए और एक एक तान को सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर करके तैयार करना चाहिए। और उसके बाद जब आप तैयार कर लेते हैं सभी तान को, तब जाकर आप उसे बंदिश के साथ गा सकते हैं। ठीक है, आइए अब मैं इसमें रिदम भी डालता हूं। अब जब बंदिश हम शुरू करते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि कहां से बंदिश शुरू हो रही है। तो ये बंदिश नौवीं मात्रा से शुरू होती है। तो काउंट इस तरह करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पांच छह सात सदा शिव भजु मना निश दिन सदा शिव भजु मना निश दिन रिधि सिद्धि दायक विनती सहायक रिधि सिद्धि दायक विनती सहायक काहे न सुमिरत भटकत तू फिरत सदा शिव भजु मना निश दिन सदा शिव भजु मना निश दिन शंकर भोला पार्वती रमन शंकर भोला पार्वती रमन सीतन पन्नग भूषण अनुपम नाहक भटकत फिरत अनवरत सदा शिव भजु मना निश दिन सदा शिव भजु मना निश दिन निरे गम पम गरे गम पम गरे सा सदा शिव भजु मना निश दिन निरे गम पदनी सनी दप मगर सा सदा शिव भजु मना निश दिन निरे गरे गम पदप मगरे गरे सा सदा शिव भजु मना निश दिन निरे निध निरे गम पदप मगर सा सदा शिव भजु मना निश दिन गगरे गमदनी दमद पमगर सा सदा शिव भजु मना निश दिन गमदनी मदनी सनी दपमगर सा सदा शिव भजु मना
निशदीन गगनी नि गगरे सा नि दा पा मगरे सा सदा शिव भजु मना गमन नि रे गरे सा नि दा पा मगरे सा सदा शिव भजु मना निशदीन निरे गरे गम पम पद निधा निरे गरे सा निधा पम धा नि सा निधा पम गरे सा सदा शिव भजु मना निशदीन सदा शिव भजु मना निशदीन गगरे सा निरे गम पप म गम धा नि सा निरे गरे सा निधा पम धा पम गरे सा सदा शिव भजु मना निशदीन गगरे सा निरे गम पप म गम धा नि सा निरे गरे सा निधा पम धा पम गरे सा सदा शिव भजु मना निशदीन सदा शिव भजु मना निशदीन निरे गम पम गरे गम धा नि सा निधा पम धा नि रे सा निधा पम धा पम गरे सा सदा शिव भजु मना निशदीन सदा शिव भजु मना निशदीन गम पम गम धनि मध नि द मध नि स ग गरे स नि द पम गम पम गरे स सदा शिव भजु मना सदा शिव भजु मना निशदीन सदा शिव भजु मना निशदीन रिधि सिद्धिदायक विनति सहायक रिधि सिद्धिदायक विनति सहायक काहे न सुमिरत भटकत तू फिरत सदा शिव भजु मना निशदीन सदा शिव भजु मना भजु मना भजु मना निशदीन तो इस तरह सबसे पहले बंदिश पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिना किसी गलती के आप बंदिश को गा सकें प्रॉपर रिदम में। उसके बाद तान का जो प्रैक्टिस करते हैं वो तान का ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है क्योंकि तान को हमें डबल स्पीड में गाना पड़ता है बंदिश के साथ। तो आवश्यक है कि आप उसे अच्छे से तैयारी करें और जब आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तान को और उसे भी बिना किसी गलती के आप गा पाते हैं फिर जाकर के उसे आप बंदिश के साथ जोड़े। बंदिश एक गुण में होता है और तान दो गुण में गाते हैं हम। ये मैं बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूं। इसमें कुछ चीजें हैं जो एडवांस लेवल के लिए होता है जो कि इसमें शामिल नहीं है। जो छोटे बच्चे या जो बिगनर्स एकदम शुरू करते हैं गाना उनको इतना समझना काफी है और इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मेट बना करके वो बिना किसी गलती के अगर तैयार कर पाते हैं खुद को तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे चल करके। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करें और जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। इस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा अपलोड्स भी है और आने वाले समय में मैं बहुत सारी चीजें इसमें डालूंगा। तो और कमेंट्स करना ना भूलें और बेल आइकॉन अगर आप दबा लेते हैं तो आपको जितने भी अपलोड्स होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इससे होगा आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करें और हम आपके लिए शुभेच्छा रखते हैं और आशा करते हैं कि आप संगीत के प्रैक्टिस में सीरियस हों और खूब मन लगा करके प्रैक्टिस करें। क्योंकि ध्यान रखें जब आप अच्छी तैयारी करते हैं अच्छा गाते हैं
तभी आप स्टार बन पाते हैं, तभी आपको समाज में रेस्पेक्ट मिलता है, तभी समाज में प्यार मिलता है। ठीक है, आधा अधूरा जानने वाले का प्यार और रिस्पेक्ट भी आधा अधूरा ही होता है। ठीक है, इसीलिए खूब मन लगा करके प्रैक्टिस करें। फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।